हेलो गाइज, मेरा नाम है सोम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास वीवो T144W वाला वेरिएंट, या बोल सकते हो वीवो T1 का 4G वेरिएंट। और इस स्मार्टफोन के अंदर भाई लिटरली बहुत सारे आपको हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे नोच के अराउंड लाइटिंग इफेक्ट, मतलब कैमरा के अराउंड लाइटिंग इफेक्ट, फ्रंट कैमरा, एम्बियंट लाइट, एज लाइटिंग इफेक्ट और वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारे हिडन फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे। अगर वीवो T1 आप ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते रहेगा, आपको सभी फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा। वीडियो में आगे जाके वैल्यू लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलेगा मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस का ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे मिलेगा एक OTG ऑन करने का ऑप्शन, सभी फोन में होता है लेकिन थोड़ा दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का है। यहाँ पे देखते हैं, मैं किसी भी वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड एंड वायर वाले को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो और यहाँ पे अपने फोन को यहाँ पे देखिए माउस एंड कीबोर्ड से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज यार। देख सकते हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कीबोर्ड से भी कर सकते हो, आपके पास है तो माउस से भी कर सकते हो, वायर वाले से भी और बिना वायरलेस से। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहाँ पे देखते हैं, प्रेस एंड होल्ड करता हूँ। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पे मिलेगा एक UI कलर का ऑप्शन। जी हाँ, ये काफी अलग है। यहाँ पे कर देंगे तो आपका जो ब्लू लाइट टाइप में देखने मिलेगा, लेकिन इस टाइप में कर देंगे, इस टाइप में देखते हैं वॉलपेपर, ये अप्लाई हो जाता है इफेक्ट, मतलब कलर UI में आपका कलर का इफेक्ट आपको चेंज करना है तो वो आपको चेंज यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग वगैरह लगता है। नेक्स्ट चीज की बात किया तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पे विजिट वाले पे देखते हैं, विजिट 2.0 यहाँ पे आ चुका है और एडवांस लेवल के यहाँ पे विजिट वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे कि विजिट ऐड किया हुआ ये वाला, यहाँ पे देखते हैं अपने फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ज्यादा वॉलपेपर नहीं थे, अपनी फोटो भी यहाँ पे अटैच वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको विजिट वगैरह ऐड करने जो एडवांस लेवल वाले, तो वो इस फोन के अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखने मिलता है इसकी होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर। जी हाँ, इस फोन के अंदर देखते हैं होम स्क्रीन लेआउट पे जाता हूं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड पे कर देंगे तो आपका ड्रॉवर मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कोई भी ड्रॉवर मोड मुझे नहीं देखने को मिल रहा, और वापस ड्रॉवर मोड एक्टिवेट करना है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ड्रॉवर मोड पे क्लिक कर दीजिए और बैक जाइए और आपके फोन के अंदर ड्रॉवर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखते हैं ड्रॉवर मोड देखते हैं यहाँ पे आ चुका है इस टाइप में। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो भी यहीं पे आपको देखने मिलता है, प्रेस एंड होल्ड कीजिए, होम स्क्रीन की सेटिंग में जाइए और नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा स्वाइप डाउनलोड होम स्क्रीन, यहाँ पे देखने को मिलता है नोटिफिकेशन ड्रॉवर। अब देखते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉवर करूंगा, यहाँ पे नीचे स्वाइप करूंगा तो नोटिफिकेशन ड्रॉवर ओपन होएगा और यहाँ पे आप सर्च बार ओपन करना चाहते हैं या कुछ भी ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं नन कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से अपने हिसाब से जो भी आपको सेट करना है वो आप। फीचर की बात किया तो वो काफी कमाल की चीज है, प्रेस एंड होल्ड कीजिए, होम स्क्रीन की सेटिंग में जाइए, यहाँ पे मिलेगा राउंडेड कॉर्नर का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आइकन है उसको राउंड करना चाहते हैं या बिना राउंड रखना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखते हैं बिना राउंड हो चुका है और इसको कर देंगे तो ये राउंड वगैरह हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखने मिलता है अपने आइकन के साइज को लार्ज एंड मीडियम वो इसके अंदर आप कर सकते हैं, मतलब आइकन कस्टमाइजेशन के भी फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है इस फोन के अंदर, आप बटन को भी हाइड वगैरह कर सकते हो। नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए, सिस्टम के अंदर जाइए, यहाँ पे मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन। जी हाँ, जैसे कि आईफोन वगैरह में होता है ना बिना बटन के फोन को यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं बटन हाइड हो चुका है और आपको बैक करना है तो इस प्रकार से ये बैक होएगा, इस प्रकार से बैक होएगा और होम स्क्रीन पे जाना तो कुछ इस प्रकार से बैक होएगा, ठीक है। और ज्यादातर होल्ड रखोगे तो ये रिसेंट मेन्यू खोल देगा। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है सिस्टम नेविगेशन का, जो भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इस नेविगेशन बार को आप ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो और यहाँ पे 3 बटन पे आपको वापस करना है, 3 बटन पे कर सकते हो। और कमाल की बात है कि यहाँ देखते बैक बटन लेफ्ट टू राइट भी आप कर सकते हैं, देखते लेफ्ट टू राइट हो चुका है। यहाँ पे 4 बटन वगैरह भी ऐड करना चाहते हो वो भी आप इसमें ऑप्शन देखने मिलता है, तो जो भी आपको यूज करना है तो यू आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं बैक और यहाँ पे हम करते हैं बाय, ये अलग सेट कर लेते हैं और हम चलते हैं बैक। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मल्टीपल यूजर का ऑप्शन। जी है, एक फोन के अंदर 2 फोन को यूज करना चाहते हैं तो इस फोन के अंदर आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब एक ही फोन के अंदर आप 2 फोन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको चलता है बैक बताना पड़ेगा और यहाँ पे मिलेगा डिजिटल वेल्विंग का फीचर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देखने मिलता है डिजिटल वेल्विंग का फीचर। अब ये कई लोग सोचते हैं नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, जो मेन फीचर आता है वो आता है हमारा फोकस मोड वाला फीचर। जी हाँ, फोकस मोड पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे काफी सारे ऐप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने ऑन किया हुआ ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ BGMI, मैं इसको ऑन कर देता हूँ और मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसमें फोकस मोड लगा दिया। अब देखते हैं BGMI का जो कलर है फेड हो चुका है, सबसे पहली बात तो पता लग रहा है कि इसके अंदर फोकस मोड यूज हो चुका है। इसको ऑन करूंगा तो चाहकर भी इसको यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने लगा रखा है इसमें फोकस मोड, ठीक है, मतलब आप किसी चीज पे BGMI बहुत ज्यादा खेलते हो, आप सोचो नहीं खेलना भाई, तो फोकस मोड का यूज करो और मतलब अपनी चीज पे फोकस करो जो चीज को आप करना चाहते हो। तो ये चीज आपको देखने मिलती है फोकस मोड वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं अल्ट्रा गेम मोड
का ऑप्शन भी देखने मिलता है। यहाँ पे देखते हैं 4D गेम वाइब्रेशन भी देखने मिलता है। इसको ऑन कर देंगे तो जब भी गेमिंग करेंगे ना तो वाइब्रेशन आपको देखने मिलेंगे, एनिमी वगैरह आएंगे, तो आपके मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आपको देखने मिलेगा। गेम साउंड क्वालिटी का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं भाई। एडवांस लेवल की यहाँ पे आपको गेमिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप यूज करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इस रैम वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 2 GB रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 6 GB वाला बाइक किया तो 2 GB एक्सटेंड करके 8 GB हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 GB वाला बाइक है तो वहाँ पे आप 5 GB या 6 GB कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। आपको देखने मिलता है सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड एजिबिलिटी का ऑप्शन। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस फोन के अंदर 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, जैसे कि और साथ में लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको डबल स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आपका स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा लार्ज है तो इस फोन के अंदर आप ले सकते हो लार्ज स्क्रीनशॉट भी। आपको डबल स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, एक स्क्रीनशॉट में आपका काम हो जाएगा। और भी कुछ फीचर की बात करो तो वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का फीचर, जैसे कि आपको दिखाता हूँ ये फीचर क्या, अनेबल स्प्लिट स्क्रीन। मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं इस ऐप में नीचे की ओर से 3 बार स्वाइप करूंगा, हालांकि ये सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि आपको दिखाता हूँ प्ले स्टोर में जाता हूँ और नीचे की ओर से 3 फिंगर को मैं स्वाइप करता हूँ, देखते हैं स्प्लिट स्क्रीन में ऑन हो चुका है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऐप है, जैसे कि यूट्यूब ऐप, मतलब एक साथ मैं 2 एप्लीकेशन का यूज करना चाहता हूँ तो इस फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर दिया हुआ है। और यहाँ से एग्जिट वगैरह करना चाहते हो तो एग्जिट वगैरह यहीं पर आपको देखने मिलता है स्मार्ट मोशन के अंदर ही। और यहाँ पे देखने मिलता है स्मार्ट ऑन ऑफ, ठीक है। इन तीनों फीचर को आप ऑन कर दीजिए। सबसे पहले रेस्ट टू वेक, डबल टैप टू लाइट, डबल टैप टू यहाँ पे टर्न ऑफ स्क्रीन। अब ये देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला फीचर देखते हैं, डबल टैप करूंगा तो ऑफ हो जाएगा और डबल टैप करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये 2 फीचर आपको पता लग गए। अब रेस्ट टू वेक वाला फीचर क्या है, अपने फोन को मैं थोड़ा सा शेक करूंगा तो इसको पता लग जाएगा अपने फोन को यूज करना चाहते हैं, तो ये चीज आपको देखने मिलते हैं रेस्ट टू वेक वाला फीचर। जी अपने फोन को रखोगे तो ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। तो ये चीज रेस्ट टू वेक वाला काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, यूज करना है तो बेसक आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है बैक जाने पे, यहाँ पे देखने मिलेगा इजी टच का ऑप्शन। इजी टच का ऑप्शन क्या है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं एक इजी टच हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप को ओपन करना है, हर चीज़ को आपको क्विक ऑप्शन ओपन करना है, जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप को ओपन कर देता हूँ, मतलब क्विक हो जाएगी, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे स्किन का चेंज करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इसका आपको स्किन चेंज करना है। इस टाइप का आपको स्किन चाहिए, ये इस टाइप का स्किन चाहिए, ये इस टाइप का स्किन चाहिए, जो भी आपको स्किन चाहिए अप्लाई कीजिए, वो इस टाइप में आपको स्किन देखने को मिलेगा, है ना। काफी इंटरेस्टिंग, मतलब इसको पूरा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है फेस ब्यूटी वीडियो कॉल का ऑप्शन। मान लीजिए आप कोई भी वीडियो कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी, मतलब आप गोरा वगैरह हो जाओगे, ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा। और किसी भी ऐप पे इसको ऑन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप डाउनलोड मेरा नहीं है, तो यहाँ पे ऑन करके हर एक ऐप के लिए आपको यहाँ पे ऑन करके रखना पड़ेगा। जब भी वीडियो कॉल करेंगे तो वहाँ पे ब्यूटी मोड एक्टिवेट हो जाएगा, आपका चेहरा गोरा वगैरह दिखेगा उसको सामने वाले को। नेक्स्ट आपको देखने मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन। जब भी कोई कॉल आएगी तो यहाँ पे आपकी फ्लैश ब्लिंक करेगी, तो ये आपको देखने मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन। जी हाँ, और भी कुछ फीचर की बात को तो यहाँ पे एजिबिलिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने मिले। एजिबिलिटी मेनू पे जाके इसको अनेबल कर देते हैं, अलो कर देते हैं, तो यहाँ पे एक और बटन ऐड हो जाएगा जहाँ पे काफी सारी चीजें आप क्यूक एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है जिन्हें आप यूज करना है तो बेसक आप कर सकते हैं। फीचर की बात की तो वो भी आपको देखने मिलता है मोबाइल की सेटिंग के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन, इसको ऑन कर देंगे। बाय मिस्टेक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है ना, वो रिमूव हो जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे काफी सारे ऐप्स है नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ और यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चेक करूंगा तो यहाँ पे वो शो कर देगा, मतलब नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हो, बाय मिस्टेक वो रिमूव हो जाती है कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई थी हमारे पूरे दिन के। लेकिन इसको ऑन करके रखना पड़ेगा। बबल पे आप क्लिक कर देंगे तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी एक बबल बन जाएगा और आपको पता लगेगा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी, मतलब बबल नोटिफिकेशन आपको शो करेगा। वैसे ऊपर की साइड शो करता है लेकिन बबल के अंदर वो शो करेगा। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो भी आपको नीचे की ओर मिलेगा, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा वेकअप स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन, इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, स्क्रीन ऑफ होगी ना तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी नोटिफिकेशन आते ही। तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिलती है। जिसको आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो बेसक आप कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है इसके अंदर साउंड के अंदर। साउंड के अंदर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे देखने मिलेगा ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन का ऑप्शन, ये इसको ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे ऑडियो की क्वालिटी ना भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाती है। इसका नाम ही देखते हैं ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलता है कस्टमाइजेशन साउंड इफेक्ट का ऑप्शन। जी हाँ, इसमें आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी एज के हिसाब से, तो वो आपको जिस हिसाब से आपकी एज है उस हिसाब से इसमें के अंदर साउंड वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हो तो बेसक इसमें कर सकते हो, उस प्रकार के आपको साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। फीचर की बात किया तो यहाँ पे देखने मिलता है डायनेमिक इफेक्ट का ऑप्शन। इसमें काफ़ी सारे फीचर आपको देखने
मिलते हैं। यहाँ पर नीचे से आपको दिखाता हूँ स्क्रीन ऑन एनिमेशन। जब भी अपने स्क्रीन को ऑन करते हो, मान लीजिए इसको अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन को मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर अलग प्रकार का इफेक्ट देखने मिलेगा। जैसे कि मैंने ऑन किया, अब देखते हैं किस प्रकार का एनिमेशन आ रहा है ना। तो इस एनिमेशन को आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, जो भी एनिमेशन चाहिए, इस साइड वाला एनिमेशन चाहिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार का कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है यूएसबी वाला एनिमेशन। जब भी अपने फोन को चार्ज वगैरह लगाएंगे या अपने किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं नीचे की साइड जो आपको एनिमेशन किस टाइप में चाहिए, ये भी आपको कस्टमाइजेशन देखने मिलता है। लिटरली कस्टमाइजेशन मामले में बहुत सारी कस्टमाइजेशन दी है। चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, जब भी फोन को चार्ज लगाएं तो चार्जिंग एनिमेशन किस टाइप में आने चाहिए, ये चाहिए बोर हो चुके एक महीने बाद, और भी यहाँ पे एनिमेशन भाई एनिमेशन भर भर के दिए। जो भी एनिमेशन आपको पसंद आ रहे हैं उस प्रकार के आप एनिमेशन वगैरह इसके अंदर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको देखने मिलता है यहाँ पे, देखते हैं इस प्रकार से ऑप्शन। जब भी अपने फेस लॉक आपने लगा रखा है, इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार का एनिमेशन आना चाहिए जब भी फोन अनलॉक करें फेस का, देखते कुछ इस प्रकार का चाहिए, इस प्रकार का चाहिए, इस प्रकार का, मतलब बोर होते रहो तो एक एक रेड में चेंज करते रहो यार, बहुत सारे कस्टमाइजेशन दी हुई है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। जी हाँ, फिंगरप्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का एनिमेशन आ जाना चाहिए जब भी अपने फोन को अनलॉक वगैरह करो, दिखाता हूँ आपको अप्लाई करके। और यहाँ पे देखते हैं किसी भी फोन को अनलॉक करूंगा तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का एनिमेशन हमें देखने को मिलता है जब भी फिंगरप्रिंट से हम फोन को अनलॉक करेंगे। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है अनलॉक, जब भी फोन लॉक हो जाता है लॉक आप हटाने के बाद, दिखाता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं आइकन का एनिमेशन किस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको अनलॉक। तो फिलहाल के हमें होम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे वापस हम इसको अनलॉक वगैरह करते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग, काफी सारी कस्टमाइजेशन दी है यार लिटरली। और भी कुछ फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे देखते हैं और भी देखते फीचर देखने, अनलॉक वाला मैंने बता दिया, फिलहाल के लिए यहाँ की सेटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की हमें आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे आपको डार्क मोड का फीचर भी देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। जैसे डार्क मोड ऑन कीजिए तो यहाँ पे पूरा आपका फोन डार्क वगैरह हो जाएगा और बैटरी भी आपकी कम ज़्यादा चलेगी, मतलब कम कंज्यूम करेगी बैटरी। तो डार्क मोड का यही फायदा है क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिलती है। इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन भी आपको देखने मिलते हैं, टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हो कितने बजे से कितने बजे तक ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, आपको ऑन करने की भी जरूरत ना पड़े, तो ये आपको देखने मिलता है डार्क मोड वाला फीचर। जी हाँ, और यहाँ पे आई प्रोटेक्शन भी देखने मिल जाता है। मान लीजिए आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं, आँखों पर आपको कम इफेक्ट पड़े मोबाइल का, जिससे आप इसको ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो स्क्रीन के कलर वगैरह को आपको चेंज करना है, इस टाइप का कलर चाहिए, इस टाइप का, इस प्रकार का, जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है करो यार। और यहाँ पे फोन के साइज स्टाइल को चेंज कर सकते हो, साइज को यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं फोन स्टाइल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिन्हें आपको डाउनलोड वगैरह करना पड़ेगा और यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं करना, लेकिन आप करना चाहते तो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार का ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखते हैं बैटरी परसेंटेज यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे नेट की स्पीड कितनी आ रही है ये भी यहाँ पे ऑन कर लीजिए, जब भी आए तो आपको पता लगे यार कि यहाँ पे कितनी स्पीड आ रही है, नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बात किया तो वो आपको देखने मिलता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक सिंपल मोड का फीचर भी देखने को मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। देख सकते हैं मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद ये मांगेगा और इसको हम कर देते हैं एक्सपीरियंस नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं सिंपल मोड बोल सकते हो या लाइट मोड भी बोल सकते हो। जैसे पुराने जमाने के फोन आते हैं ना, मतलब सिंपल तरीके से चलते हैं, अपने फोन को ईजी टू यूज बनाना चाहते हो, मतलब जिसको फोन चलाना नहीं आता बिगिनर है, तो ये मोड ऑन करके दे दो, वो मतलब काफी अच्छी तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। जैसे फोन करना है, मैसेज करना है, तो ये आपको सिंपल मोड देखने मिलता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका फोन चलेगा इस सिंपल मोड के अंदर। या कई फोनों में इसको लाइट मोड भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे वीवो वाले ने बोला है इसको, यहाँ पे मतलब क्या बोला है, मतलब सिंपल मोड का फीचर बोला है। तो ये चीज आपको देखने मिलती है, यहाँ से जाके आप एग्जिट वगैरह भी कर सकते हो, वापस से आपका सिंपल मोड में एक्टिवेट वगैरह हो जाएगा। बात किया तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या एज लाइटिंग वाले फीचर की हम बात कर लेते हैं, वो आपको देखने मिलता है डायनेमिक इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे देखने मिलता है एंबिएंट लाइट इफेक्ट का ऑप्शन। जी हाँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से ऑप्शन देखने में, लाइटिंग इफेक्ट के नोटिफिकेशन किस टाइप में आने चाहिए। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पे एज ब्लिंक करेगी, कॉलिंग वगैरह पे भी आप लगा सकते हो, तो कुछ इस टाइप में आपको देखने मिलता है। जो भी पसंद आ रहा है लगाओ यार, बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं देखने मिलती, सिंपल सी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। जैसे कि यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, बैक जाते हैं और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन हम थोड़ा बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, उसमें बताएंगे किस प्रकार से आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं बैक और भी चलते हैं बैक, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का ऑप्शन, और यहाँ पे देखने मिलेगा AOD। यहाँ पे देखते काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं स्किन वगैरह, थोड़े बहुत ही आपको देखने मिलते हैं, जो कि उतने ज़्यादा अच्छे आपको नहीं लगते। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, AOD के नाम से होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलेगी। AOD पे आप क्लिक वगैरह कर लीजिए, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगी AOD वाले, इसको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन कर लीजिए। अब इसमें काफ़ी सारे आपको कस्टमाइजेशन वगैरह करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको स्टीकर वगैरह कौन से पसंद
पसंद आ रहे हैं वो इसके अंदर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। साथ में वॉच फेस, आपको वॉच का स्टाइल कौन सा चाहिए वो इसके अंदर लगा सकते हो। बैकग्राउंड आपको किस प्रकार का चाहिए, शैडो इफेक्ट चाहिए, और यहाँ पर फोन स्टाइल को भी आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पर डेट स्टाइल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, जो भी आप कर सकते हो। और परमिशन वगैरह देकर सेटअप कर लेंगे तो आपके स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके वाला भी एक्टिवेट वगैरह हो जाएगा, देखते कुछ इस टाइप में। अब स्टिकर वगैरह के साथ और रिंग लाइट भी हम इनेबल करके दिखाएंगे, इसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। अभी वह भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कैमरा के अराउंड नोच लाइट इफेक्ट वाला मैं लाइटिंग इफेक्ट किस प्रकार से इनेबल करनी है। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोच पाई, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन ऐप देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना, ओपन कर लेना इसको। जैसे कि मैं इसको ओपन वगैरह कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे परमिशन वगैरह दे दीजिए, जैसे कि मैं इसको परमिशन वगैरह देकर सेटअप करके लेता हूँ। देखते मैंने परमिशन वगैरह दे दी, और यहाँ पे नोच लाइटिंग इफेक्ट भी इनेबल हो चुका है। जो भी आपका नोच है यहाँ पे, जो भी आपको रखना है रख सकते हैं, जैसे कि इस टाइप में। और यहाँ पे जितने परसेंटेज बैटरी मैंने यहाँ पे कर दिया फुल स्टेटस, ताकि फुल दिखाएं, बैटरी इंडिकेटर के रूप में भी काम करती है। और यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है 21-30% के बीच में कौन सा कलर होना चाहिए इस नोच लाइटिंग। मैंने सारी जगह येलो कर रखा है, येलो दिखने में काफी अच्छा लगता है। अभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ दिखाता हूँ कितना अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, साथ में एज लाइटिंग वाला भी। इस प्रकार का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा एज लाइटिंग प्लस यहाँ पे रिंग लाइट, काफी अच्छा लगता है यार। तो यही देखने को मिलते हैं आपको वीवो T1 के कुछ ट्रिप्स एंड टिप्स और हिडन फीचर। आई होप आज की पसंद आई, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको पता लगते। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।